हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेन एक्स ट्रैवल ट्यूब। तो सीन ये है कि आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ कॉकटू आइलैंड। कॉकटू आइलैंड एक बहुत ही फेमस साइट है न्यू साउथ वेल्स में। अगर हम बात करें यूनेस्को के हिसाब से तो उन्होंने इस साइट को वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन घोषित किया है न्यू साउथ वेल्स में। तो वहाँ तक जाने का सफ़र बहुत ही छोटा है, पर वहाँ पे जाके देखने को है बहुत कुछ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो कॉकटू आइलैंड तक कैसे जाए। कॉकटू आइलैंड तक जाने के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप है। सबसे पहले तो आप सर्कुलर क्वे आ जाओ, क्योंकि कॉकटू आइलैंड पे आप ना ही ट्रेन से जा सकते हो ना ही किसी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, आपको फेरी लेनी ही पड़ेगी। तो आपको वॉर्फ 5 से यहाँ पे फेरी मिल जाएगी। फेरी लेने के बाद आपको सीधा वो आपकी डेस्टिनेशन पे छोड़ देगी आधे घंटे के अंदर। तो आधे घंटे बाद आप होगे कॉकटू आइलैंड पे। वहाँ पे जाके बहुत कुछ होगा, एक फैमिली डेस्टिनेशन है, काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है, और सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्क्लोज करूँगा धीरे धीरे। चलिए करते हैं आज का अपना सफ़र स्टार्ट, और ये है पहला पड़ाव। यहाँ से हम चल पड़े हैं सर्कुलर क्वे से, और अब जा रहे हैं हम कॉकटू आइलैंड। तो वहाँ तक जाने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और अब लो रास्ते का मज़ा। एंड चलने से पहले प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल जेन एक्स ट्रैवल ट्यूब। Down, see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down, get too strong. When I battle with the beast, bring a few on. The commander and the chief for my crew on. Bullets rattling and whistle at your toque. Never sleep, eyes open, hands clutching on my throat. This a war zone. It's a war zone. Yo, this a motherfucking war zone. Impact, you break it open, leaving nothing f***ing intact. Nothing behind. Hey yo, you been hacked. You're safe, hard in, but I found it, homie, been cracked. But ain't nothing inside. Hey yo, we been back. Your band stacking, see you flexing with the thin stack. Flexing on that we on. Hey bitch, you been whacked. I kill them all, feel a motherfucking impact. This a war zone, homie, say you ready and prepare. Take a minute, make them aware. Well, I'll be sneaking in the back, but it's worth a clap. Homie, life ain't fair. Caught me crawling through the mud with a vision, saw it clearly. Born a shepherd to these sheep, make them fear me. This a war zone, trashed out, trap house, nothing ever given. Yeah, every day's a blessing, thank the Lord, oh how I'm living. See me riding with my top down, oh cops round, pedal pressing on the gas. I don't think I'll ever stop. तो फाइनली आ गया हूँ मैं कॉकटू आइलैंड पे। यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हो जाता है। तो फेरी हमें यहाँ पे उतारेगी इस स्टेशन पे, जो बिल्कुल कॉकटू आइलैंड के स्टार्टिंग पे ही है। बेसिकली यहाँ पे काफ़ी चीज़ें होती है, तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो हम काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएंगे। यहाँ पे काफ़ी अलग अलग डेस्टिनेशंस है छोटी छोटी, तो सबको हमें सेपरेटली ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो एक एक करके हम एक्सप्लोर करते हैं। मैं यहाँ पर आया हूँ बाई फेरी, और मुझे आधा घंटा भी नहीं लगा है मैक्सिमम मैं बताऊँ, मुझे यही लगा है, मतलब लेस देन आधा घंटा। Jungle out there. Keep
tight. Unknown brand, don't mind me, baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down, see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down. तो जैसे कि आप ये देख सकते हो कि मेरे पीछे कैंप्स लगे हुए हैं, इस पार्क को कहते हैं नॉर्थन एप्रोन पार्क। नॉर्थन एप्रोन पार्क आपको यहाँ पे कोकोटू आइलैंड में जब आप आओगे तो आपको राइट हैंड साइड मिलेगा। और दूसरा ये है कि आप अगर अपने साथ खाने पीने का सामान लेके आना चाहते हो तो आप लेके आ जाओ। यहाँ पर आपको खाने पीने का लाइक कि जो बनाना है उसके लिए यहाँ पर आपको प्लेट्स वगैरह दे रखी है, हीटिंग प्लेट्स वगैरह। तो ये ऐसी आपको ऑलमोस्ट हर जगह पर मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ पे भी है क्योंकि यहाँ पे तो कैंप्स वगैरह लोग आते हैं कैंपिंग के लिए, तो काफ़ी कैंप्स लगे हुए हैं मेरे आसपास यहाँ पर। तो आप अपना खाना लाओ और यहाँ पे बारबेक्यू वगैरह करके, ग्रिल करके, जैसे भी आपने खाना है आप यहाँ पे खा सकते हो। खाने पीने की यहाँ पे पूरी फैसिलिटी है, आपको खाने पीने के मामले में परेशान नहीं होना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। सॉरी फॉर हेलीकॉप्टर नॉइस, मेरा नहीं था। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में खाने पीने की फैसिलिटी, वॉशरूम की फैसिलिटी, कैंप्स की फैसिलिटी और ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी। और अगर आपने कुछ नहीं खाना, आप हो मेरी तरह आलसी बना के खुद, तो यहाँ पे कैफेटेरिया भी है स्टार्टिंग में, आप वहाँ से कुछ भी लेके खा सकते हो। पर उसकी टाइमिंग होती है, आई गेस अगर आप कैंपिंग के लिए आ रखे हो तो अपना खाना ज़रूर लेके आना, क्योंकि रात को वो आई गेस बंद हो जाता है। और वो बंद हो गया तो यहाँ पर आइलैंड पर आपको कुछ और नहीं मिलेगा रात को खाने के लिए। बाकी इंफॉर्मेशन सेंटर से सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि यहाँ पर अगर हमने कैंपिंग करना है तो उसके लिए हमें क्या तैयारी करके आना पड़ेगा, और अगर हम खाना नहीं लाए तो हमें रात को किसी तरह कुछ जुगाड़ हो जाएगा या नहीं होगा। तो चलो चलते हैं अब आगे की तरफ, हमारी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। वो है, देख के बताता हूँ कौन सी जगह पे जाना है। तो चलने से पहले जानते हैं इस लोकेशन की हिस्ट्री के बारे में। इसकी कह सकते हैं कि काफ़ी रिच हिस्ट्री रही है अंग्रेज़ों के टाइम पे। उससे पहले यहाँ पे जो इनके जैसे लोकल एंसेस्टर्स थे, जो जिनको कहते हैं एबोरिजिनल, आपने मेरी काफ़ी वीडियोस में देखा होगा, पुरानी वीडियोस में मैंने आपको काफ़ी एबोरिजिनल सेरेमनीज वगैरह दिखा रखी है, तो वो पहले यहाँ पे रहते थे। एबोरिजिनल लोग जब यहाँ रहते थे तो उस टाइम पे उन्होंने इसका नाम रखा था वरंगा। वरंगा बेसिकली कहने का मतलब होता है कि जहाँ पे जो इनकी एबोरिजिनल्स की वुमेंस होती थी, जो यहाँ पे आके सेरेमनी करती थी। तो एक तरह से ये काफ़ी धार्मिक स्थल था, मतलब एक तरह से इसकी काफ़ी मान्यता थी, धार्मिक नहीं कह सकते पर मान्यता थी उस टाइम पर। फिर आए अंग्रेज़ों ने आने के बाद यहाँ पर कह सकते हैं कि इस लोकेशन को प्रॉपर जेल बना दिया। तो यहाँ पे जेल बनाने का इसका कारण ये था कि यहाँ पर ये एक तो समुंदर के बीचों बीच पड़ती है, तो यहाँ से कोई भी कैदी भाग नहीं सकता। और लंदन में उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कैदी हो गए थे, तो इतने ज़्यादा कैदियों को वहाँ पे रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था। तो वो लंदन के जितने भी कैदी होते थे उनको ऑस्ट्रेलिया में सिडनी ले कर आया जाता था और इस जेल में रखा जाता था। तो जैसे ही अंग्रेज़ों का कह सकते हैं कि शासन ख़त्म होने लगा, तो धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया एक प्रॉपर कंट्री बनने लगी। जब ऑस्ट्रेलिया एक प्रॉपर कंट्री बनी तो इन्होंने यहाँ पे कह सकते हैं कि उस टाइम पे वुमेंस के लिए प्रॉपर एक कॉलेज स्टार्ट करा। कह सकते हैं स्कूल या कॉलेज एक ही बात है, जो यहाँ पे आके अपना लाइक कोई भी सिलाई कढ़ाई का काम, ये सारे छोटे मोटे काम वुमेंस करती थी या सीखती थी। उसके बाद सीन ये हुआ कि यहाँ पर फिर वो भी नहीं चला, तो उन्होंने क्या किया,
कि उसके बाद यहाँ पे आर्मी ने इसको, नेवी है जो ऑस्ट्रेलियन नेवी, उन्होंने इसको प्रॉपर एक अपनी प्रैक्टिस के लिए जगह बना लिया। फिर उनकी यहाँ पे काफ़ी टाइम प्रैक्टिस हुई थी, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने शिप बनाना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे प्रॉपर शिप्स बनती थी, जो आप ये स्लिप पे देख रहे हो, तो यहाँ पे ये इसी कारण है क्योंकि यहाँ पे शिप्स वगैरह बनाई जाती थी, उनको मेंटेन किया जाता था या ठीक किया जाता था। तो एक तरह से यहाँ पे काफ़ी शिप्स वगैरह का उस टाइम पे काम होता था। तो थोड़े टाइम बाद वो भी होना बंद हो गया और अब ये एक एस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे लोग आते हैं तो कैंपिंग के लिए आते हैं यहाँ पर, और जो मैंने आपको बताया था कि जेल है तो उस जेल को देखने के लिए आते हैं, और यहाँ पे छोटी मोटी फैक्ट्रीज है उनको देखने के लिए आते हैं। एक तरह से इनका कह सकते हैं कि प्रॉपर हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो इस कारण इसकी मान्यता भी काफ़ी ज़्यादा है। और एक तरह से ये ऑस्ट्रेलिया की वन ऑफ द रिनॉन साइट है, तो बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कह सकते हैं नहीं कह सकते है? अभी तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि जब तक मैं इसको प्रॉपर एक्सप्लोर नहीं करूँगा तो मेरे लिए कहना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। पर देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या मिलेगा देखने को। और काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ें दिख रही है मुझे यहाँ पर, और अभी जेल तो हमने देखी नहीं है कि जेल में देखने को क्या मिलेगा। हो सकता है कि अंग्रेज़ों को पता है यहाँ पे काफ़ी फांसी वगैरह लगाई होगी उन्होंने उस टाइम पे, तो एक तरह से हॉन्टेड लोकेशन भी है ये। तो उसका दूसरा सीन ये है कि यहाँ पे आपको रात को काफ़ी टूर मिल जाएंगे, गोस्ट टूर। तो आप कभी भी आप यहाँ पे आओगे रात को, तो एक तरह से अर्निंग का बस इन्होंने वो बना रखे हैं, वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और दूसरी बात, यहाँ पे काफ़ी टूर मिलेंगे आपको दिन के टाइम पे भी, तो ये कह रखा है कि यार इस एज का टूर, उस एज का टूर, पर मुझे कोई रेलिवेंस लगा नहीं, क्योंकि हर उसमें आपको एक ही इंफॉर्मेशन बताई जाएगी। तो जो ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, इसको कहते हैं फायर पिट। तो फायर पिट बेसिकली आग लगाने के काम आता था उस टाइम पे। तो शिप्स वगैरह बनती थी, आई डोंट नो क्यों यहाँ पे आग लगाई जाती थी। आई गेस ये माइट बी सिग्नल के लिए यूज़ किया जाता था इसको, या कोई कुकिंग वगैरह प्रोसेस के लिए, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। उस टाइम के बारे में मैं इतना नहीं जानता। तो यहाँ पे जब आप कैंपेन के लिए आओगे, तो इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर सारी फैसिलिटीज़ दे रखी है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे फ्रिज दे रखे है, आप इन फ्रिज को यूज़ कर सकते हो कुछ भी रखने के लिए। और साफ़ सफाई प्रॉपर है, ऐसा कुछ नहीं है कि गंदा है या पब्लिक चीज़ें हैं तो बिल्कुल ही मतलब मैसी सा रहेगा। यहाँ पे प्रॉपर क्लीन है सारी चीज़ें। और यहाँ पे आपको, जैसे कि ये मेरे पीछे इन्होंने माइक्रोवेव दे रखा है, आपने माइक्रोवेव करके कुछ खाना है, और ये यहाँ पे आपको गर्म पानी की फैसिलिटी मिल जाएगी, या ठंडा पानी पीना है, जो भी जैसा भी आपने पीना है। यहाँ पे बैठने के लिए आपको इन्होंने प्रॉपर स्टूल वगैरह ये सारी चीज़ें, टेबल दे रखे हैं। और सबसे कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज़, जो ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, इस पे आप अपना खाना प्रिपेयर कर सकते हो। लाइक आपका प्रॉपर ग्रुप आ रखा है, फ्रेंड्स का, फैमिली का, व्हाटएवर। तो इसका स्टेप बड़ा सिंपल होता है, आपको नीचे से इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद इसमें आप अपना खाना वगैरह बना के आराम से खा सकते हो, और बाद में क्लीन करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी फैसिलिटी आपको ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगी, चाहे ग्रिल करना है या नॉर्मल आपने किसी भी तरह का खाना बनाना है, तो बाद में क्लीन करके जाना। और ये है कि आपको क्लीन ही मिलेगी यहाँ पे, आप कभी भी आप आओगे तो ऑलमोस्ट ऐसा नहीं होता कि कभी आपको गंदा मिलेगा। और यहाँ पे पब्लिक कह सकते हैं कि काफ़ी ज़िम्मेदार है अपने इन चीज़ों के प्रति, तो यहाँ पे हाइजीन वो ज़्यादा पसंद करते हैं हर चीज़ों में। तो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इसको क्लीन करके जाना, बाकी फैसिलिटी सारी है, आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने कैंप्स इनके लेने हैं तो आप इनके कैंप्स ले सकते हो, और अगर आप खुद का कैंप लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आप खुद का कैंप भी लगा सकते हो। तो ये आपको पावर हाउस के पास एक छोटी सी लोकेशन मिलेगी, इसमें आपको ये सारी फैसिलिटी मिलेगी। वैसे एक दूसरी लोकेशन भी है जो मैं आपको दिखा दूंगा, जो उस पार्क के पास मिलेगी आपको स्टार्टिंग में,
और अब हम चल रहे हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। तो जो ये आपने अभी अभी देखा है, ये उस टाइम की चिमनी होती थी। इसमें अंदर आग जलाई जाती थी और इसी आग से एनर्जी जो क्रिएट करी जाती थी उस टाइम पे। और ये था कि यहाँ पे काफ़ी लोगों का खाना बनता था जो उस टाइम पे यहाँ पे होते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले यहाँ पे जेल होती थी, तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे आके जेल बनाई थी। जितने भी यहाँ पे कैदी होते थे और एम्प्लॉयज़ होते थे उस टाइम पे, तो उनका खाना बनाना, उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, ये सब इसी पावर स्टेशन से होता था। तो यहाँ पे आग जला के पानी को इवेपोरेट करके, ये पता नहीं साइंस वाले स्टूडेंट जानते होंगे इस चीज़ के बारे में, तो ऐसे यहाँ पे एनर्जी बनाई जाती थी। तो अब चलते हैं आगे की तरफ, देखते हमें आगे क्या मिलता है देखने को। तो चलो चलते हैं।